बिल्कुल आप पे गया है। यहाँ क्या कर रहे हो? नेटफ्लिक्स इस वीकेंड फ्री है। क्या भाई, पीना चालू कर दिया? तू नहीं समझेगा यार मेरी प्रॉब्लम्स। अबे साले नौटंकी मत कर, चल बैठ। भी थोड़ी ले ना यार। अबे यार तू पी ना। नमस्कार, मैं हूं अमरदीप और आप देख रहे हैं टॉक शो विद अननोन आर्टिस्ट। तो आज हम अमरदीप के साथ कुछ क्वेश्चन आंसर का सेशन रखे हुए हैं, तो आप उसके लिए तैयार हो? जी। चलो, सवाल ज्यादा कठिन नहीं है, तो देखते हैं कि कितना आप सवाल दे पाते हो। चलो पहले सवाल के फॉर, तो ये रहा, चलो मेरे हाथ पे आ गया और ये सवाल है। अच्छा, बिफोर बिकमिंग एक्टर व्हाट यू वर डूइंग, मतलब आप एक्टर के पहले क्या करते थे? एक्टर बनने से पहले मैं पढ़ाई कर रहा था, कॉलेज में था। उसके बाद एक साल का कुछ गैप रहा था, उसके बाद मैं आ गया था दिल्ली एक्टिंग सीखने। अच्छा, ओके। तो दूसरे सवाल पे जाते हैं। सो व्हाट प्रिपेयर यू आर डूइंग फॉर एक्टर, मतलब एक्टर के लिए क्या क्या आप प्रिपरेशन कर रहे थे एक्टर बनने से पहले? हाँ, एक्टर के लिए, मतलब अगर मुझे एक्टर बनना है तो उसके लिए कुछ प्रिपरेशन चाहिए, कैसा है, क्या सोच के, ये सब। एक्टर बनने से पहले मैं जब 10th में या 11th में था तो मुझे कंफर्म था, मैंने तय कर लिया था कि मुझे एक्टर। अच्छा, ओके। तो उसी समय से मैंने सिनेमा के बारे में अखबारों में पढ़ना शुरू कर दिया। और जब मैं कॉलेज में था तो मेरे पास एक फ़ोन आ गया जिस पे इंटरनेट चलता था। अच्छा। तो उसी पे मैं फिर सिनेमा के बारे में सर्च करने लगा, देखने लगा कि ऑडिशंस कहाँ हो रहे हैं, मुंबई में या दिल्ली में, कैसे मैं जाके अपना एक्टिंग सीख सकता हूँ, कहाँ थिएटर कर सकता हूँ, वो सब चीज़ें मैं सर्च करते रहता था। बहुत ही अच्छा। और उसके बाद मैं वेरी जॉन आ गया। तो बहुत ही अच्छा है कि आजकल हम लोग गूगल में, इंटरनेट में सब कुछ मिल जाता है। हाँ हाँ, मुझे लगता है कि मेरा एक्टर बनने में, इस फील्ड में आने में इंटरनेट का एक बहुत बड़ा योगदान शायद सभी का हो शायद। हाँ, चलो कोई बात नहीं। सो हु इज योर आइडल एंड क्यों, मतलब कि आपका आइडल कौन है और क्यों एक्टर इस फील्ड में, अपने फील्ड में एक्टिंग में? हाँ हाँ, एक्टिंग में। देखिए, एक्टिंग में मेरे काफ़ी सारे आइडल्स हैं, लेकिन मैं कुछ के नाम ले देता हूँ, जैसे मनोज वाजपेयी हैं, इरफान खान मेरे आइडल हैं, नाना पाटेकर हैं, नवाज सर हैं जिनके साथ मैंने अभी काम किए हैं। लंबी लिस्ट है, अच्छे कलाकार हैं हमारे देश में। चलो अच्छा, तो दूसरे सवाल और जाते हैं, और ये रहा आपका। अच्छा, आप कुछ शेयर करना चाहते हो आपके एक्सपीरियंस के बारे में हम लोगों के साथ, दर्शकों के? जी, मैं काफ़ी टाइम से हूँ इस फील्ड में, 2014 से मैंने जब से ट्रेनिंग लेना शुरू की, उसके बाद मैं 15 में मुंबई आ गया। और तब से मैंने ऑडिशन वगैरह देने शुरू किए, तो कुछ टाइम बाद मुझे एक रोल मिला था एक सीरियल, इतना करो ना प्यार मुझे। कौन सा साल में था वो? 2017 की बात है शायद। अच्छा, ओके ओके। हाँ, उसके बाद फिर वो एक ऐड किया मैंने, ओके, अक्षय कुमार सर के साथ। अच्छा। हाँ, फिर ऐसे सिलसिला चलता रहा, ये सीरियल्स में करता रहा। अच्छा। और फिर अभी ऐड किया जो नेटफ्लिक्स के। जी, चलो अच्छा। ऐसा नहीं कि काम नहीं मिल रहा है, मतलब कि मिल रहा है काम? हाँ, काम मिल रहा है, धीरे धीरे गाड़ी चल रही है। चलो अच्छा। और जैसे सवाल जाते हैं कि व्हाट आर सजेशंस फॉर, अच्छा आप क्या सजेशन देना चाहते हो आने वाले एक्टर लोगों के लिए, जैसे जिनको तो काम भी नहीं मिला है, वो भटक रहे हैं कि ऑडिशन देते जा रहे हैं, और आप तो समझ रहे हैं कि हम लोग कितना मुश्किल पड़ते हैं, हम लोग सभी को जितने भी एक्टर हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हो जिसने एक भी ब्रेक नहीं मिला है अब तक? देखिए, कोई भी नया एक्टर आया हो या आने वाला हो, अगर कोई सीख के आया हो और आ गया है इस फील्ड में, तो उसको कहूँगा कि थोड़ा
थोड़ा धैर्य रखें, कुछ अपने आप को टाइम दें और जल्दी हौसला ना आ रहे, काम मिलेगा। और जो नए लोग आना चाहते हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप इस फील्ड में आने से पहले इसकी जानकारी ले लें, अच्छे से इसको जान लें, कहीं से सीख लें। आप चाहे तो किसी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लें या थिएटर करें, अच्छे से करें और फिर आप तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं यही सलाह दूंगा आपको आने वाले लोगों को। चलो अच्छा, तो चलो फिर दूसरे सवाल से जाते हैं। अच्छा, आप खुद को कैसे महसूस किए जब आपने खुद को टीवी पर देखने का मौका मिला? देखिए, ये तो मैं एक्टर बनने इसलिए आया था कि लोग मुझे स्क्रीन पे देखें, पर्दे पे देखें और मैं अपने आप को भी एक्सप्रेस कर पाऊँ। वो दोनों चीजें हो रही बिल्कुल बिल्कुल, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, किसको अच्छा नहीं लगेगा जी। चलो, थैंक यू फॉर आंसर। ये रहा आपका क्वेश्चन। अच्छा, आप वैसे एक्टर क्यों बनना चाहते हैं? देखिए, इसका एक तो मुख्य कारण है कि मैं बचपन से बहुत गंभीर सा रहा, बहुत कम बातें करता था मैं। अच्छा, तो मुझे लगता था कि बहुत सी चीज़ें मेरे अंदर दबी रहती हैं, मैं बोल नहीं पाता, लोगों को अपने विचार बता नहीं पाता, एक्सप्लेन नहीं कर पाता। हाँ, अच्छा, ओके। तो मुझे लगा कि ये माध्यम है मेरे विचार रखने का, मेरे अंदर की जो चीज़ें हैं वो बाहर निकालने का जी। तो इसलिए ये शायद बड़ा कारण है मेरा में आने का, एक्टर बनने का जी। तो उसके कारण कुछ इम्प्रूव हुआ आपको, कुछ लगा, कुछ डिफरेंसेस आए? हाँ, मैं अपने आप को जब देखता हूँ, जब मैं अपने घर था, अपने शहर में पढ़ाई कर रहा था और जब उसके बाद मैं सीखने के लिए आया, तो मेरे में बदलाव आया। तो जैसे जैसे टाइम जा रहा है, समय बीत रहे थे, मैं दिल्ली आया, दिल्ली के बाद मुंबई आया और यहाँ काफ़ी साल मैंने अलग अलग लोगों से मिला, बहुत सी चीज़ें देखी जीवन में, सब हो गया, मुझे बहुत सुधार है। ओके, मैं अपने आप को बहुत पहले से हल्का महसूस करता हूँ। बहुत ही अच्छा। चलिए दूसरे सवाल पे जाते हैं। और ये रहा आप कैसा टाइप का कैरेक्टर करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो अगर आपको मौका मिले? कैरेक्टर में जो भी मुझे एज एन एक्टर इम्प्रूव करें और जो कहानियाँ मेरी आपकी आम लोगों की जो कहानी है वो, उन कहानियों को मैं करना चाहूँगा, उन किरदारों को करना चाहूँगा। ठीक है। अच्छा, सो अच्छा, आपको क्या प्रॉब्लम फेस हो रही थी जब आप ऑडिशन की तरफ जा रहे थे? ऑडिशन में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो फेस करनी पड़ती हैं आपको। जब आप काफ़ी उम्मीदें लेके जाते हैं कास्टिंग डायरेक्टर के पास और आपके रंग की वजह से, आपकी हाइट की वजह से या काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको उस कैरेक्टर से मतलब हटा दिया जाता है, आपको वो काम नहीं मिलता। तो इसमें क्या जान पहचान का भी कुछ हाथ है? देखिए, इसमें तो बहुत बड़ा हाथ है जान पहचान का। अच्छा, मतलब ये लिंक बनाना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, जानकारी तो आपकी होनी ही चाहिए, आप कहीं भी जाएंगे तो आपको ऐसे लोग काम नहीं देंगे। अच्छे से लोगों को जानते हैं तो आपको ऑब्वियस ही बात है। चलिए फिर दूसरे सवाल पूछते हैं आपको। अच्छा, आपने ये एक्टिंग जो है कहाँ से सीखी? मैंने 2014 में दिल्ली से बैरी जोन एक्टिंग स्टूडियो है। अच्छा, ओके। वहाँ से मैंने एक्टिंग ट्रेनिंग ली है। अच्छा, फिर उन्हीं के साथ मैंने कुछ टाइम थिएटर भी किया। अच्छा, चलिए अच्छा है। तो दूसरा सवाल, आप एज एन एक्टर कैसे मोटिवेट करते हो? आप खुद को एज एन एक्टर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें मोटिवेट करते हैं, आप खुद मोटिवेट करवाते हो आप? एज एन एक्टर मैं काफ़ी चीज़ें करता हूँ खुद को मोटिवेट करने के लिए। अच्छा। मैं सुबह उठ के रनिंग जाता हूँ, दौड़ता हूँ, बहुत बढ़िया, किताबें पढ़ता हूँ, आध्यात्मिक किताबें भी पढ़ता हूँ, अच्छे एक्टर्स का काम देखता हूँ। बिल्कुल अच्छा जी।
अच्छा। और दूसरा सवाल है कि हाउ यू फील व्हेन यू आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, मतलब कि वही है कि जब हम लोग इतना छोटा मोटा भी काम किए हैं, अच्छा अच्छा काम किए हैं, तब भी हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं होता, तो उसके कारण कुछ आप कुछ शेयर करना चाहते हो, आपको कैसे फील होता है? फील तो कलाकार जब आता है काम करने और अच्छा काम करता है तो उसको उम्मीदें तो रहती हैं हमें कि लोग हमें अप्रिशिएट करें, हमें हमारे काम को अच्छा बताएं, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत बार होता है कि आप अच्छा काम करते हैं लेकिन लोग नहीं उसको अप्रिशिएट करते, तो ठीक है, बुरा लगता है थोड़ा, लेकिन वो मुझे लगता है काम का हिस्सा है, किसी को हम अच्छे लगते हैं, किसी को ज़्यादा पसंद नहीं आते, लेकिन अभी तो रास्ता बहुत ही लंबा है तो पहुंच जाएंगे हम लोग जहाँ पे पहुंचना है। देखिए लगे हैं अब कहाँ पहुंचते हैं, क्या कब पहुंचते हैं, वो तो हमारा काम है, चलते रहे ना, चलते रहे, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर इसी के साथ हम लोग ये प्रोग्राम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हियर विथ मी अमरदीप। थैंक यू, नमस्ते और बाय बाय, सी यू।